सौ साल पहले जो काशी की रानी है उनको कोई मैकेंजी नाम के व्यक्ति चोरी करके ले गया और कनाडा की एक विश्वविद्यालय की जो आर्ट गैलरी थी वहां पे इनको डिस्प्ले के रूप में रखा गया था। मोदी जी के प्रयासों से भारत सरकार उसको रिट्रीव करके वापस लाने में सक्षम हुई है। यही बताता है कि जिस तरीके से भारत की धरोहर है, अगर घड़े में क्रैक आ जाए तो उसकी वजह से पानी रिश्ता चला जाता है, और ऐसे ही पूर्व की सरकारों के समय पर पानी रिश्ता गया, भारत की धरोहर देश से बाहर जाती गई, और अब पहली बार ऐसा समय आया है कि वो वापस भारत आ रही है। और जब वापस भारत आ रही है इसका मतलब पुराने जो क्रैक्स हैं उनकी भराई की जा रही है, और वही चीजें जो है संभवता हो रही है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, उसकी पहचान विश्व में बने और सब लोग उसको मान्यता दें, और काशी की रानी अपने कार्यक्षेत्र में पहुंचे तो उससे बड़ा जो पुण्य है वो क्या होगा। काशी के घाटों से मूर्ति गई थी ऐसा प्रमाण मिलता है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ये मूर्ति अब कनाडा की रेजिना यूनिवर्सिटी से वापस आई है। एएसआई को इसको वापस मिली है। कल हम लोग ने एएसआई से इसको औपचारिक रूप से धर्मार्थ कार्य विभाग ने इसको ग्रहण किया है। आज इस मूर्ति को उत्तर प्रदेश ले जाकर चार दिन पूरे प्रदेश का भ्रमण कराएंगे। ये पहला दिन जो है भ्रमण हमारा सोरो तक होगा, रात्रि विश्राम सोरो पे जो है होगा कासगंज में। फिर दूसरे दिन जो है हमारा रात्रि विश्राम कानपुर के मंदिर में होगा। तीसरे दिन इसका रात्रि विश्राम जो है राम मंदिर अयोध्या में होगा, और चौथा दिन जो है ये दुर्गा कुंड जो है वाराणसी में जाकर वहां पर रात्रि विश्राम हमारी मूर्ति करेगी। ये जो है 15 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसको काशी विश्वनाथ के जो हमारा नया मंदिर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम, उसके ईशान कोण में इसको स्थापित किया जाएगा।